Morgan. तो इन ब्लॉक्स को हमने कुछ स्टेप्स में बांट दिया है, तो चले चलते स्टेप ए पर। ओके, तो सबसे पहले अपने राइट पैर को सामने से उठाओ, फिर उसको ऊपर उठाते हुए नीचे लैंड करवाओ, हाँ कुछ इस तरह। और उसी सेम टाइम में अपने लेफ्ट लेग से कुछ छोटे छोटे जंप्स लो, तो उसे हम स्पॉट जंप्स कहते हैं। ओके, और हाथों का पोजिशन लेफ्ट हैंड स्ट्रेट एंड राइट हैंड कमर के सामने थोड़ा कर्व। हम इसे प्यार से एक पल का जीना पोज कहते हैं। ओके, ये पोजीशन लेने के बाद अपने राइट हैंड को कुछ इस तरह राउंड घुमाना, राउंड राउंड। करो 1 2। तो चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। तो स्टेप ए में हमने ये सीखा था, फिर उसके बाद एक छोटा सा जंप लेके अपने पैरों को खोलो। उसके बाद ये ध्यान देना कि आपके सामने वाले लेग का टो ऊपर की तरफ फेस करे और पीछे वाला लेग हल्का सा बेंड हो। फिर जंप लेके पैर क्लोज, फिर ओपन। फिर मैं बताता हूँ आपको कि हाथों के साथ क्या करना है। तो अपने दोनों हाथों को कुछ इस तरह बेंड करते हुए एक बार राइट फिर लेफ्ट, राइट लेफ्ट। ओके, हैंड्स और लेग्स को कंबाइन करने के बाद करो 1 2 3 4। ओके गुड। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं स्टेप सी पर। ओके, तो पहले के स्टेप्स में हमने ये सीखा 1 2 3 4। चलिए आगे का बताता हूँ मैं आपको। अपने हाथों को कुछ इस तरह पोजीशन दो, फिर हल्का सा राइट की तरफ बेंड होते हुए आपको डाउन होना है 1 2। फिर वही सेम लेफ्ट में एक बार ज़्यादा झुकना है, एक बार कम। तो दो दो बार दो के काउंट में दोनों साइड करने हैं हमको। करो 1 2 3 4। बस हो गया। ओके, तो आ गया हमारा स्टेप डी, जो कि थोड़ा सा हार्ड है। ओके, तो लास्ट स्टेप में हमने ये किया था 1 2 3 4। तो उसी के कंटिन्यू में आपको आपका राइट लेग पीछे की तरफ घुमा के स्ट्रेट मारना है और आपका टो उस समय ऊपर रहेगा। ओके, तो वही सेम लेफ्ट साइड भी राउंड करके स्ट्रेट, राउंड डाउन राउंड डाउन। फिर हाथ का क्या करना है मैं बताता हूँ। अपने हाथों को अपने चेस्ट के सामने लेते हुए जैसे कि आप खुद को हग कर रहे हो, फिर स्ट्रेट स्ट्रेट, फिर वही सेम लेफ्ट साइड भी स्ट्रेट स्ट्रेट। वो आपको एक ही टाइम करना है, स्ट्रेट बस दिखाने के लिए किया था। फिर पैरों का वही सेम और आपके हाथ कुछ इस तरह आएंगे यस करते हुए, यस यस। और अपनी उंगलियों को यो पोजीशन देना, यो स्पाइडरमैन वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं स्टेप डी पर, जो कि लास्ट है। तो स्टेप डी में हमने ये किया था 1 2 3 4। तो आपका लेफ्ट हैंड से कुछ इस तरह वेव लेना है, वेव लो। ओके, फिर अपने राइट लेग को उठा के लेफ्ट साइड लैंड करो, फिर अपने लेफ्ट हैंड से वेव लो, हाँ वेव लो। फिर अपने राइट लेग को वही सेम पोजीशन पे वापस लेके आओ, फिर वापस आपके लेफ्ट हैंड से वेव लो और उसी के साथ अपने बॉडी से भी वेव लेके राइट साइड टर्न हो जाओ, फिर फुल बॉडी वेव स्टॉप। हो गया। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके कहे हुए वीडियो पे डांस ट्यूटोरियल बनाएं, तो हमें उसका लिंक कमेंट में शेयर कर दीजिएगा, हम देखेंगे उसे और हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम वो वीडियो लेके आ जाएंगे। ओके बाय।